हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आज बात करेंगे नंबर्स के बारे में। आप इस दुनिया में आए हैं, एक नंबर के साथ आए हैं। हम बिलीव करते हैं आप अपना नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं चूज़ करते, बल्कि वो डेट, वो नंबर आपको चूज़ करता है। हर इंसान में अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग जिस दिन आप इस दुनिया में आए हैं, कुछ कुछ आपके एक बिहेवियर, एक कुछ ट्रेट्स होती हैं। जैसे कि अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, या 10 तारीख को पैदा हुए हैं, या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका नंबर बनता है 1। या आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जब हम टोटल करते हैं, जो उसका टोटल बनता है, वो भी आपका नंबर है। जैसे अगर आप पैदा हुए हैं 1 जनवरी 2000 को, तो आपका टोटल बना 4। तो या तो हम आपका, जिस दिन आप इस दुनिया में आए हैं, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट है, उसको काउंट करते हैं, या टोटल जो पूरा अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिला लिया जाए, तो जो टोटल नंबर बनता है वो। तो आज अभी बात करेंगे नंबर 1 के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी जैसे आप किसी रिलेशनशिप इशू में होते हैं, जैसे आप कोई बिजनेस मीटिंग में होते हैं, तो अगर आपको किसी के बिहेवियर के बारे में पता चल जाए कि हाँ, इसको तो गुस्सा आना ही है, आप उसको उस तरह से टैकल कर सकते हैं। या रिलेशनशिप में मैं आपको पता हो कि ये नंबर इसी तरह से रिएक्ट करेगा, मैं थोड़ा सा इस तरह से खुद को संभाल लेता हूँ। तो शुरू करते हैं नंबर 1 के बारे में। अगर आपका जन्मदिन नंबर 1, नंबर 10 या 28 तारीख को हुआ है, या आपका जो टोटल है वो नंबर 1 बनता है, तो आपका जो प्लैनेट है, आपका संबंध है सन के साथ है, आपको सन रूल करता है, और आप लीडर्स होते हैं, आप में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आप में आत्मविश्वास भरपूर होता है, आपको हर चीज़ में आगे रहना पसंद है। जैसे कि जो सन है हमें लाइट देता है, हमें एनर्जी देता है, वैसे ये भी इस दुनिया में कुछ देने के लिए आए हैं। जैसे जो मुकेश अंबानी जी हैं, धीरू भाई अंबानी जी, उनका जो नंबर 1 बनता है, और हम सब उनके बारे में जानते हैं, तो ये भी लीडर्स होते हैं। ये, इनको क्या काम करना चाहिए, इनको दुनिया में, इनको कुछ बिजनेस करना चाहिए, इनको कुछ खुद से क्रिएट करना चाहिए। जॉब भी करते हैं तो बहुत अच्छी करते हैं, जिस भी काम में रहते हैं वैसे नंबर 1 पे ही रहते हैं। इनके घर में जो लाइट है वो नेचुरल आनी चाहिए, नेचुरल लाइट इनके लिए अच्छी रहती है। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 का संबंध मून से है। नंबर 2 वाले लोग, अगर जैसे आप 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, या 20 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका जो नंबर 2 बनता है, और अगर आपका जो टोटल है वो 2 बनता है, तो तब भी आप 2 नंबर को बिलोंग करते हैं। 2 नंबर वाले लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, ये बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करते हैं। इनमें फ़ोटो खींचने का बहुत शौक होता है, या तो इनको वीडियो बनाने का, या अपनी वीडियो बनाने का, सेल्फी खींचने का, मतलब क्रिएटिव काफ़ी होते हैं। मदरली फीलिंग्स रहती हैं इनको, सबके बारे में इनका ख्याल रहता है, जैसे एक माँ सबके बारे में सोचती है, ये भी सोचते हैं। लड़ाई ज़्यादा इनको पसंद नहीं होती, ये क्रिएटिव, जैसे मैंने बताया, इन क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीज़ें, डिज़ाइनिंग इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। शाहरुख खान जो हैं वो भी नंबर 2 हैं, तो इनके लिए जैसे मैंने बताया, कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कुछ एक हॉबी डेवलप करें। जो 2 नंबर के बच्चे हैं, अगर आप प्लीज़ पेरेंट्स ध्यान रखें, उनमें कुछ हॉबी ज़रूर डालें, क्योंकि हॉबी ही आगे जाके उनका करियर बन जाता है। अब बात करेंगे नंबर 3 वालों के बारे में। नंबर 3 बहुत ही अच्छा नंबर है, जुपिटर का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। इनमें विजडम, समझदारी बहुत होती है, इनमें ना कहने की एक काबिलियत होती है कि किसी भी चीज़ को ना कह सकते हैं। अगर किसी भी अट्रैक्शन के अंदर ये उस जाल में फंसते नहीं है, ना कहने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। पैसा कमाने का शौक होता है, फेम, मतलब किस्मत भी इनका साथ देती है। और पैसा कमाने का शौक इस तरह से कि जैसे ये किसी से लेना नहीं चाहते, इनको ये होता है कि खुद ही कमाए, अपनी माँ से, अपने बच्चों से, किसी से भी पैसा लेने में बिलीव नहीं करते, खुद कमा के लोगों की मदद करना चाहते हैं। रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोनू सूद को तो हम जानते ही हैं ना, सोनू सूद जी का नंबर 3 है, और सब जानते हैं कोविड में उन्होंने कितनी सबकी मदद की है। नंबर 3 वालों को पैसा कमाने के साथ साथ रिस्पेक्ट कमाने का भी बहुत शौक होता है। इनके लिए करियर काउंसलिंग, ज्ञान देने का बहुत शौक है, काउंसलिंग में आ सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हैं, और CA भी बन सकते हैं। ये चीज़ें इनके लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। अब बात करेंगे नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 जो है, नंबर 4 वाले, इनको काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड ये होते हैं, मतलब लोग इनको अच्छे से समझ नहीं पाते, इनकी फैमिली मेम्बर्स भी कभी कभार इनको नहीं समझ पाते हैं। नंबर 4 वाले खुद एक आइडिया इस दुनिया में लेके आते हैं, कुछ एक क्रिएटर होते हैं, कुछ नई चीज़ इस दुनिया में लेके आते हैं, बट लक इनका इतना साथ नहीं देता। 4 नंबर वाले खुद से अगर बिजनेस में है, तो आप अपने नाम पर बिजनेस ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप 1, 3 या 5 के साथ बिजनेस कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके किसी कोई पार्टनरशिप में आप ले सकते हैं बिजनेस में। अब बात करेंगे, और नंबर 4 जो है राहु का है, नंबर 4 जो है अनिल अंबानी का भी है, नंबर 4 श्री श्री रविशंकर का भी है। स्पिरिचुअलिटी में भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है।
अब बात करेंगे नंबर पाँच के बारे में। नंबर पाँच जो है इनको बोलने का बहुत शौक होता है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मतलब पढ़ाई में अच्छा नहीं, दिमाग इनका बहुत तेज़ है, मेमोरी बहुत तेज़ है, बात करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत बातें करते हैं, अपनी उम्र से कम दिखते हैं। पाँच नंबर वालों को देखिएगा, वो कभी भी अपनी उम्र के नहीं लगेंगे, हमेशा थोड़ा छोटा अपनी उम्र से लगेंगे। पाँच वालों को घूमने का बहुत शौक है, फ्रीडम लवर होते हैं। और पाँच नंबर के अगर आप राज कपूर जी का पाँच नंबर रहा है तो इनको म्यूज़िक का बहुत शौक होता है, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई काम करे। राज कपूर जी की जैसे मूवीज़ बहुत अच्छी रहती थी, तो आप कुछ म्यूजिक से काम कर सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं, म्यूजिक इनके लिए काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं नंबर छह वालों के बारे में। छह लग्जरी का नंबर है, इनको हर चीज ब्रांड, इनको हर चीज में बाहरी जो खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। सबसे जो वेल ड्रेस्ड लोग होते हैं वो नंबर छः वाले होते हैं, देखने में सुंदर भी होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं। नंबर छः को जैसे मैंने बताया बहुत दलेर लोग होते हैं, बट कभी कभी गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जुआ इनको कभी कभी अपनी ओर ले जाता है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी इनके लिए अच्छी रहेगी। बैलेंस इनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, पर जैसे मैंने बताया बाहरी लुक इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लग्जरी का नंबर है, हर जिंदगी सुख के साथ बिताना चाहते हैं। और नंबर छः अनिल कपूर का, हम सब जानते हैं अनिल कपूर का अपनी उम्र के लगते हैं बिल्कुल भी नहीं। और नंबर छः वालों के लिए करियर अच्छा है, रेस्टोरेंट लाइन में आप जाइए, आप खुद से कुछ अच्छा बड़ा काम करें, छोटा बड़ा कोई भी काम नहीं होता। पिज़्ज़ा हट जहाँ यंग लोग हैं वहाँ इनके लिए अच्छा रहेगा, रेस्टोरेंट या खाने की लाइन भी इनके लिए अच्छी रहती है। अब बात करेंगे नंबर सात वालों के बारे में। नंबर सात एक स्टेबल नंबर है, इनको रिसर्च करने का बहुत शौक है, इनको हर चीज़ की खाल उखेड़ने का बहुत शौक है। अच्छा है तो अच्छा क्यों है, बुरा है तो बुरा क्यों है, बट एक स्टेबिलिटी का नंबर है सात। नंबर सात वाले स्पिरिचुअलिटी की लाइन से एस्ट्रोलॉजी, ये पामेस्ट्री, ये टैरो, ये इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रेकी हीलर, प्राणी हीलर्स भी बहुत अच्छा बन जाते हैं। बट इनके लिए भी बिजनेस कहूँगी, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो किसी के साथ अपने घर वालों के नाम पे करिएगा, अपने नाम पे मत करिए। अब बात करते हैं नंबर आठ वालों के बारे में। नंबर आठ जो है मेहनत का नंबर, शिल्पा शेट्टी का नंबर आठ है। आठ वाले बहुत इमोशनली या बहुत खुश होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब जा तो स्टेबिलिटी इन द सेंस जैसे बहुत एक्सट्रीम है, या तो बहुत खुश या बहुत दुखी, बहुत मेहनत करते हैं। इनको कोई भी काम मेहनत से ही मिलता है, लक के थोड़े कमी होते हैं। सात वालों का लक बहुत अच्छा है, आठ वालों में थोड़ी लक की कमी होती है। तो इनका लेकिन जहाँ ये मेहनत करेंगे वही फल आएगा, ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप जुए में जाएंगे तो बिल्कुल हार जाएंगे। शेयर मार्केट में मत जाइए, गैम्बलिंग में मत जाइए, आपके लिए मेहनत वाला काम अच्छा है, दुनिया को कुछ देने वाला काम अच्छा है। लोगों की मदद करें, मदद से आपको बहुत फल मिलेगा। आठ नंबर वाले बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। अब बात करेंगे नौ नंबर वालों के बारे में। नौ नंबर मतलब कि प्रियंका चोपड़ा जोनस, हम जानते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मेहनती होते हैं, एनर्जी इनमें बहुत होती है। इनके लिए आर्मी, इनके लिए नेवी, इनके लिए स्पोर्ट्स, ये सब बहुत अच्छी होती है। बहुत स्पोर्ट्समैन का नंबर भी नौ है, तो स्पोर्ट्स में जाइए, आर्मी में जाइए, नेवी में जाइए, आईएएस ऑफिसर बनते हैं। नौ नंबर काफ़ी एनर्जी का है, बट जब जो ठान लेते हैं करके छोड़ते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं, इनको मनाना आसान नहीं है, इनको सिर्फ आप प्यार से मना सकते हैं। तो नौ नंबर वालों जो ठान लेते हैं, अगर मनवाना है तो प्यार से मनवाइए, एनर्जी से भरपूर होते हैं। इनसे बहस बिल्कुल मत करिए, बहस में आप इनसे नहीं जीत सकते। जैसा बताया आईएएस ऑफिसर, आर्मी या टीचर्स या प्रिंसिपल जो हैं हाई पोस्ट पे, वो भी नौ नंबर वाली ही ज़्यादातर आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, बताइए कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।